अस्सलाम असलकम यम कोई रेसिपीज़ में आज मैं बनाने जा रही हूँ तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी योगर्ट डिप और ख़ास बात इसमें यह है कि इसके अंदर किसी नमक का भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है ये एक टर्किश डिप है और इसका नाम है आटोम ज़रूर बनाइएगा और इसको सिर्फ आप पराठे या ब्रेड के साथ खा सकते हैं बहुत ही मज़े की है आइए देखते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन पाँच छः सूखी हुई लाल मिर्चें और उसको मैं सबसे पहले गर्म पानी में भिगो दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए और जब 10-15 मिनट के बाद ये सॉफ़्ट हो जाएगी तो फिर आप इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे अगर आप सूखी मिर्चों को काटने जाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है इसीलिए आप इसको पहले भिगो दें और फिर उसको चॉप करें ये एक काम हो गया हमारा अब योगर्ट डिप है तो ज़ाहिर है कि दही चाहिए ही होगा और इसके लिए जो आप दही इस्तेमाल करेंगे वो बहुत गाढ़ा होना चाहिए अगर आपके दही में पानी है तो फिर आप उसको मलमल के कपड़े में थोड़ी देर के लिए लटका दीजिए तकरीबन एक दो घंटे के लिए तो फिर वो गाढ़ा हो जाएगा और अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट अवेलेबल है तो फिर वही इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है ये हो गया आपने देखा मैंने इसके अंदर किसी नमक को शामिल नहीं किया है बस इसको प्लेट में इस तरीके से सेट कर देना है जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है मक्खन। दो टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है और उसको हम सबसे पहले पिघला लेंगे पैन में और मक्खन जले नहीं उसके लिए यहाँ पे किसी तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो इस वजह से आपको इसको हल्की आंच पर ही पकाना होगा अगर तेज़ आंच की तो मक्खन जल जाएगा ठीक है तो हल्की आंच पे जब ये थोड़ा सा ही पिघला होगा तब आप उसके अंदर ये वाली जो लाल मिर्च अभी काटी थी उसको डालेंगे और फिर इसको पकने देंगे ये सारा काम हल्की आंच पे होना चाहिए ये पूरा बघार तैयार करने में आपको पाँच मिनट लग जाएंगे ये देखिए इसके अंदर जो झाग है ये झाग गायब हो जाना चाहिए और इसके अंदर एक नटी सी जो खुशबू होती है वो आ जानी चाहिए अगर इसको जरा सी भी तेज़ आंच पे आपने पकाया तो मक्खन लाजमी जल जाएगा ठीक है अब ये देखिए तकरीबन तीन चार मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि वो जो झाग था वो ख़त्म हो गया है ये बहुत ही क्लियर हो गया है और इस तरीके से हो जाना चाहिए मिर्चें जब पक जाएंगी तो उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और अगर मिर्चें जल जाएगी तो उसकी तो आपको पता ही है कि बहुत खांसी शुरू हो जाएगी इसका मतलब कि मिर्चें जल गई हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा ठीक है और जब ये बिल्कुल अच्छी सी हो जाएगी मक्खन की भी खुशबू आएगी और मिर्चों की भी बस ये तैयार है और अगर आपके पास गैस का चूल्हा है तो बस इस तरह से टेढ़ा करके ही बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा सा बनता है ठीक है अब जो प्लेट थी जिसके अंदर हमें इसको सर्व करना है उसके ऊपर इस तरीके से ये जो तड़का हमने तैयार किया है मिर्चों और मक्खन वाला वो डाल देंगे और बस ये तैयार हो गया इसके अंदर किसी भी नमक का इस्तेमाल नहीं किया गया है और आपको ज़रूरत महसूस भी नहीं होने वाली है ऊपर से सिर्फ डेकोरेशन के लिए मैंने पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा ड्राइड पार्सली डाल दिया है आप ना चाहें तो ना डालें उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं अंटिल नेक्स्ट टाइम हाफ़िज